रहनो प्यार परी सत श्री अकाल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी हेल्थ फ्रेंडली और बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हेल्थी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसे सुबह खाकर पूरा दिन एनर्जी रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो मूलियाँ ली हैं और इसके मैंने ऊपर से पत्ते और छिलके उतार दिए। उसके बाद एक कप मैंने मेथी लिए और मेथी को मैंने अच्छे से इसकी डंडियाँ तोड़ दी हैं। अब क्या करना है, अब मोटे कद्दूकश से हम अपनी मूलियों को अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे और कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक इसलिए डालना है क्योंकि मूलियों के अंदर पानी होता है, वो जब हम आटा गूंथते हैं ना वो पानी रिलीज करती है इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मैंने मेथी को काट लिया, 15 मिनट बाद ये देखिए मूलियों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब दोनों हाथों की हेल्प से अब ऐसे करेंगे, मूलियों का सारा पानी हम निकाल देंगे। आप ये प्रोसेस कपड़े में भी डालकर कर सकते हैं। और ये देखिए मूलियों का पानी बच गया, गेहूं के आटे में डालकर आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पौधों में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा गैस के ऊपर, गैस मैंने ऑन कर दी। अब एक कप डालेंगे हम पानी डालेंगे, जैसे पानी में उबाल आ जाए तो अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लेना है 2 कप मक्की का आटा। जी हाँ, 2 कप मक्की का आटा लेने के बाद जो हमने मूलियाँ कद्दूकश करके रखी थी हम पानी निकाल कर वो डालेंगे और मेथी डालेंगे। मेथी को आपने अच्छे से वॉश कर लेना। अब यहाँ पे मैंने लिया मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था, वो डाल सकते हैं, चाहे उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता। भुना जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला डालेंगे। उसी के साथ 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, अगर ताज़ी हल्दी आप वो भी डाल सकते हैं। और जो हमने गर्म पानी किया था ना वो डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और जस्ट हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी डालने के बाद अब हमने क्या करना, इसे अच्छे से मलना है। अब क्या करना, अब हमने बहुत सख्त आटा नहीं लगाना, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाना है। और जितना हम आटा मलेंगे उतना ही रोटी हमारी अच्छी बनेगी, क्योंकि मोस्टली लोग ये बनाते तो कंडे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, वो इसीलिए टूटते हैं, तो आटे को बहुत ज़्यादा मलना पड़ता है। तो अब क्या किया है, यहाँ पे मैंने रखा है चकला, चकले के ऊपर रखी है पोलोथीन। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर देसी घी डालने के बाद इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो आज हम मैं आपको थैली पर इस तरह रोटी बनाना सिखाती हूँ, बहुत ईजी तरीके से बनती। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह हम हाथ से इसका बनाएंगे पेड़ा। ये देख मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। तो अब क्या करना, अब हमने इसको एक हाथ से घुमाए जाएंगे, इस तरह घुमा घुमा कर इस तरह हम बना लेंगे रोटी, बहुत ईजी तरीके से बन जाती। जो कंडे होते हैं ना साइड के, जो किनारे होते हैं, अब क्या करना, उसको उंगली से हम इस तरह जितने भी किनारे होते हैं इस तरह शेप में दे देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल कंडे इसके फटे नहीं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने तवा रखा है, थोड़ा सा लगाऊंगी यहाँ पे देसी घी और उसके बाद अब हम इसके ऊपर अपनी रोटी को डाल देंगे, मक्की की रोटी। से ही एक साइड से सिक जाए तो उसे हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। ये देखिए मूली वाली मेथी वाली टेस्टी सी मक्की की रोटी, सर्दियों में से खाने का बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए इस तरह, अगर आप थोड़ी सी मोटी पतली जैसे आपको पसंद वैसे बना सकते हैं, ये यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। उस पर ऊपर लगाइए थोड़ा सा देसी घी, दोनों साइडों से सेकी और सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐसी गर्म गर्म रोटी मिल जाए तो क्या बात है। और इसी के साथ हम बनाएंगे, जी हाँ, हेल्थी सी बनाएंगे गार्लिक, स्पाइसी गार्लिक चटनी बनाएंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं अचार डालने के लिए 1 किलो लेके आई थी लाल मिर्च। जी हाँ, उसमें से 5 से 6 मैंने लाल मिर्च को निकाल लिया है। निकालने के बाद इसे मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। काटने के बाद अब यहाँ पे 25-20 मैंने लहसुन लिया है, उतार दें। अब क्या करेंगे, इस चटनी को आज हम मिक्सी में नहीं बनाएंगे, इसको देसी तरीके से बनाएंगे। तो क्या करना, लाल चटनी डालने के बाद इसको कुंडी सोटे से बहुत ज़्यादा कूट कूट के इस चटनी को बनाएंगे। इस ऐसी चटनी बनाने से बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि जब हम मिक्सी में बनाते हैं ना चटनी बहुत बारीक हो जाती है, लेकिन आपसे बातें करते करते सारी चटनी हमारी पिस चुकी है।
पास इस तरह की कूंडी सोटा ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उससे भी ये चटनी बहुत स्वाद लगती है। लेकिन देसी तरीके से बनाई हुई चीज़ें आपको पता है वैसे कितनी टेस्ट होती। तो जब हमारी चटनी ख़राब ना हो तो इसके लिए क्या करना है, हमने 2 बड़े चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा डालेंगे और इसी से साथ 1 चम्मच डालेंगे हम सौंफ डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने हल्का सा भूनना, गैस की फ्लेम को रखा है मैंने कम। अब जो हमने लहसुन पीस के रखा था ना वो डाल देंगे, जस्ट हमने कुछ सेकंड के लिए से पकाना। आफ्टर आप देखेंगे 2 मिनट बाद इसने सारा ऑयल अच्छे से रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले मिक्स करेंगे। यहाँ डाला मैंने 1/2 टीस्पून काला नमक डाला है और उसके बाद 1/2 टीस्पून डाला है दूसरा नॉर्मल नमक डाला है और ये देखिए उसके बाद के लिए 2 चम्मच डाले हैं काले तिल। जी हाँ, ये वाइट तिल से बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी होते हैं। लीजिए हमारी स्पाइसी सी चटनी बनके रेडी है और प्लेटिंग करते इसे मैंने किया है दही के साथ गार्लिक चटनी और ये हमारा मिक्स वेजिटेबल जो अचार बनाया था वो है और इसी चटनी के साथ खा के देखिए बहुत टेस्टी लगता है। और मिलते हैं फिर नई